हेलो एवरीवन, बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पीजी लेवल पे एडमिशंस के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से आपको पूरा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना है, किस तरह से आपको जो फॉर्म है वो फिल करना है। आपको आ जाना है बीएचयू की वेबसाइट पर, जो है bhuonline.in। इस वेबसाइट पर आएंगे तो इसी वेबसाइट से आपका पूरा एडमिशन का प्रोसीजर चलेगा। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन होने है उसका, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन करने के पहले एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आपने एनटीए की वेबसाइट पे सीयूईटी पीजी का फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपने बीएचयू जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसका ऑप्शन वहाँ पे ऑप्ट आपने कर रखा हो, यानी कि जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लीजिए आपको एलएलबी में एडमिशन लेना है, तो एलएलबी के बाद जब आपने एनटीए की वेबसाइट पर फॉर्म फिल किया था तो उसमें आपको बीएचयू का ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये फॉर्म फिल करेंगे तो आपके लिए ये बेनिफिशियल होगा, अन्यथा ये बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पर, रजिस्ट्रेशन का। इस पर आप जाएंगे तो इस पर सारे की सारी डिटेल्स आपको इस तरह से सामने देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो डेट्स है वो मेंशन की हुई है, जो आपके फॉर्म है वो 27/6 यानी कि 27 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो आपकी लास्ट डेट होगी वो 16 जुलाई होगी, यानी 16 जुलाई के पहले पहले आपको जो रजिस्ट्रेशन है वो कर देना है। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स कहेगी कि जो हमारा सीयूईटी पीजी का रिजल्ट है वो तो अभी आया नहीं है, तो इसके पहले रजिस्ट्रेशन कैसे स्टार्ट हो सकते हैं? तो देखो कैसे स्टार्ट हो सकते हैं, वो तो इन्होंने स्टार्ट कर दिए हैं, अब जैसे भी स्टार्ट हो। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए या फिर हम रिजल्ट का वेट करें? तो देखो ऐसी कोई जल्दी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप जल्दी फॉर्म फिल कर दोगे तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। आप चाहो, अगर आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स आ सकते हैं या आपको एडमिशन बीएचयू में लेना है या नहीं लेना है, इसके प्रति आप श्योर नहीं हो, तो अभी आप वेट करो। आपका रिजल्ट हो सकता है 16 जुलाई के पहले ही आ जाए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर मान लो 14-15 जुलाई तक नहीं आता है आपका रिजल्ट, तो उस केस में आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा यहाँ पे। अब एक क्वेरी स्टूडेंट्स की आएगी, फॉर्म तो हम फिल कर दें, यहाँ पे फीस कितनी है उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो देखो फीस में पहले आपको बता देता हूँ, आपको 1 मिनट, जो आपकी फीस रहेगी ये फी यहाँ पे सामने लिखी हुई है, जो आपकी जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन तीनों के लिए जो फी है वो 300 रुपये है एक प्रोग्राम ऐड करने के लिए, यानी कि किसी एक प्रोग्राम में आप अप्लाई करते हो। जैसे मान लो एलएलबी, एमए इन पॉलिटिकल साइंस, एमए इन हिस्ट्री, इस तरह से बहुत सारे प्रोग्राम हैं। अगर एक प्रोग्राम को आप सिलेक्ट करते हो तो आपकी फी होगी 300 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी में हो तो आपके 150 रुपये फी रहेगी। इसके बाद आप जितने प्रोग्राम एडिशनल ऐड करोगे, जैसे मान लो आपने एलएलबी ऐड कर लिया, उसके बाद आपको एमए इन पॉलिटिकल साइंस भी ऐड करना है, एमए इन हिस्ट्री भी ऐड करना है, तो जितने प्रोग्राम आप ऐड करते रहोगे 100 रुपीज़ आपके एडिशनल चार्ज लगेंगे। इसके अलावा एक बात आपको और ध्यान रखनी है, बीएचयू के अंदर आपके दो तरह की सीट्स होती हैं, एक तो आपकी नॉर्मल सीट्स होती हैं और दूसरी आपकी पेड सीट्स होती हैं। पेड सीट्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं उसमें जनरली 10 से 15%, शायद 15% है, उतना कोटा फिक्स होता है पेड सीट्स के लिए, और उसमें एडमिशन के लिए आपको ज़्यादा फी पे करनी होती है। ठीक है, जैसे मान लो नॉर्मल फी आपकी 4-5 हज़ार रुपये रहेगी, 3 हज़ार रुपये रहेगी, तो आपकी जो पेड सीट्स होंगी उसमें 15 हज़ार 20 हज़ार इस टाइप से एक्स्ट्रा फी आपको पे करनी होती है। तो अगर आपको पेड सीट पर भी एडमिशन लेना है तो उसके लिए आपको 700 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट के लिए भी आप फिल कर रहे हो तो अगर आप पेड सीट और नॉर्मल सीट दोनों लेते हो तो आपको 1000 रुपये पे करनी पड़ेगी। अगर आप सिर्फ नॉर्मल सीट्स के लिए ऑप्ट करते हो तो आपको 300 रुपये पे करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर 100 रुपये एडिशनल हर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी फी जो है इस तरह से लगेगी। अब देखो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए, ये सारे इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेना है। इसके बाद जितने भी आपके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसको भी आप डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हो। सबसे पहले जो एनटीए का सीयूईटी पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो दिया हुआ है, फिर बीएचयू का जो पीजी का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो दिया हुआ है, इसके बाद बीएचयू का जो एडमिशन इन्फॉर्मेशन की पीडीएफ है वो यहाँ पे दी गई है, पब्लिक नोटिस दिया हुआ है इसके बाद, और इसके बाद फिर आपका किस तरह से आपको रजिस्टर करना है उसकी पीडीएफ दी गई है हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इसको आप चाहो तो रीड कर सकते हो, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद नीचे आपको आना है, आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। इस न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आपको जाना है और यहीं से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मांग रहा है आपका एनटीए का एप्लीकेशन नंबर, यानी कि जो एनटीए की वेबसाइट पे आपने फॉर्म फिल किया था उसका एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है। अब मैं तो यहाँ पे डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर फिल कर दे रहा हूँ। अच्छा, यहाँ तो रैंडम फिल कर दिया, दोबारा टाइप करना है।
इसके बाद आपको रीटाइप करना है आपका एप्लीकेशन नंबर, फिर आपको अपना नेम फिल करना है। यहाँ पे ध्यान रखिए, जो आप जितने भी डिटेल्स आप फिल कर रहे हैं वो आपको सेम वही डिटेल्स रखनी है जो आपने एनटी की वेबसाइट पे जो सीयूटी पीजी का फॉर्म फिल किया था उस समय जो आपने डिटेल्स फिल की थी वही सेम डिटेल्स यहाँ पे आपको फिल करनी है। अब मैं तो यहाँ पे डेमो फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नेम में कुछ भी यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ में, रैंडम कुछ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, फादर्स नेम यहाँ पे आपको फिल करना है, फिर मदर्स नेम, ईमेल आईडी। ध्यान रखिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको वही यूज़ करना है जो आप करंटली यूज़ कर रहे हैं या फिर जिसके जिसका आपके पास एक्सेस है, क्योंकि जो आपकी ओटीपी आएगी या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ही आएगी। और कोशिश करें जो आपने सीयूटी पीजी में इन्फॉर्मेशन दी है ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर की, सेम वही फ़ोन नंबर आप या ईमेल आईडी आप यूज़ कर ले तो वो आपके लिए और बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, पासवर्ड आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई यहाँ पे इशू नहीं है, बस ध्यान रखिए आपकी कुछ थोड़ा स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिक वगैरह उसमें यूज कर लें, कोई बाकी इशू नहीं होगा आपको। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, फिर यहाँ पे एक कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को आपको फिल करना है। फिर यहाँ पे आपको साइन अप कर देना है, ये पासवर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट आ रहा है, पासवर्ड में आपको ध्यान रखना है कि जो आप पासवर्ड यहाँ पे फिल कर रहे हैं वो कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, और उसमें एटलीस्ट एक लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब क्या है, @#, डॉलर का सिंबल होता है, ये सारे जो है आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पासवर्ड जो है क्रिएट करना है, जैसे आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे आपके सामने ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे कि भाई डिटेल्स जो आपने चेक कर लो सारी, कि कोई डिटेल इसमें से गलत नहीं होनी चाहिए, तो डिटेल्स आप चेक कर लेना, उसके बाद फिर यहाँ पे कंफर्म कर देना। जब जैसे ही आप कंफर्म करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा एक्टिवेट योर अकाउंट का, यानी कि जो आपने अकाउंट यहाँ पे बनाया है उसको आपको एक्टिवेट अब यहाँ पे करना पड़ेगा। एक्टिवेट योर अकाउंट के ऑप्शन पे जाओगे, सबसे पहले आपको यूजर नेम डालना है, यूजर नेम में आपको अपना ईमेल एड्रेस यहां पे डालना है, ईमेल एड्रेस यहां पे डालना, फिर आपके ईमेल एड्रेस पे एक कैप्चा कोड आया होगा या एक्टिवेशन कोड आया होगा, उस एक्टिवेशन कोड को यहां पे आपको फिल कर देना, बेसिकली आपका एक वेरिफिकेशन कोड रहेगा, और इसी के अंदर आपका पासवर्ड भी आ जाएगा शायद। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये जो एक्टिवेशन कोड है यहाँ पे फिल कर दिया, अब इसको आपको सबमिट कर देना है। अब देखो सबमिट करने के बाद यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा आपका क्लिक हियर टू लॉगिन, लॉगिन वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, ये सेम पहले वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर में जाकर आपको लॉगिन करना होगा, लॉगिन करने के लिए सेम आपका जो आपने आईडी और पासवर्ड बनाया था उसको यहाँ पे फिल करना है, और उसके बाद इसको फिर आपको सबमिट कर देना है। अब देखो टोटल आपके 5 स्टेप्स में ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना है, पहला रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें बस आपके रूल्स वगैरह बताए गए हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। फिर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म में वही प्रीव्यू करना है, यानी कि चेक कर लेना सारी डिटेल्स, फिर आपको पेमेंट करनी है, उसके बाद आपको कोर्स प्रेफरेंस देनी है, यानी कि कोर्स प्रेफरेंस का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मान लो LLB आप सिलेक्ट कर रहे हो, अब LLB में 2 तरह की सीट्स हैं, एक आपकी नॉर्मल सीट्स हैं, एक आपकी पेड सीट्स हैं, आप दोनों में से आप क्या एक को सिलेक्ट करोगे, दोनों को सिलेक्ट करोगे, अगर दोनों को सिलेक्ट करो तो फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या है, नॉर्मल सीट्स है या पेड सीट है, वो सारे जो आपके कोर्स प्रेफरेंस के अंदर आते हैं। इसके अलावा मान लो जो आपकी अलग अलग कॉलेजेस होते हैं, जैसे मान लो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो इस तरह से आपका आएगा कुछ कोर्स सेलेक्ट करने के लिए, इस तरह से आपका आएगा। आप देखो BHU के अंदर एक तो आपका मेन कैंपस है, एक BHU का साउथ कैंपस है और एक आपके एफिलेटेड कॉलेज है BHU के,
तो उन सभी, मान लो आपने कोई कोर्स लिया, मान लो एमए इन पॉलिटिकल साइंस लिया, अब उसमें मान लो इसमें जिस भी कॉलेज इसमें वो अवेलेबल होंगे उसकी वहाँ पे प्रेफरेंस आपको फिल करनी होगी, तो वो आपके प्रेफरेंस के अंदर आएगा। जब वहाँ पे फिल करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको दिखा दूंगा। तो रूल्स एंड रेगुलेशन में तो आप चाहो तो इसको एक बार रीड कर लेना, उसमें कुछ खास यहाँ पे नहीं है। ये आपके रूल्स एंड रेगुलेशन जो पेज के आगे थे वही सारी चीज़ यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसको आप चाहो तो एक बार रीड कर लेना। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही वो यहाँ पे सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आपको जाना है, यहाँ से आपको फॉर्म जो है ऐड हो जाएगा। अब ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है एक एक करके फिल करनी है। सबसे पहले आपको एप्लीकेंट्स की डिटेल यहाँ पे फिल करनी है, तो एप्लीकेंट्स की डिटेल पे यहाँ पे जाओगे आप। अब देखो कुछ डिटेल्स यहाँ पे पहले से फिल्ड है, जो आपने अपना अकाउंट क्रिएट करने के टाइम पे वहाँ पे बनाई थी वो सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल है। यहाँ पे आपको एक कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो कैटेगरी में अगर आप जनरल सेलेक्ट कर रहे हो या अनरिजर्व सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आपने OBC, NCL या फिर EWS सेलेक्ट किया तो उस केस में आपका जो सर्टिफिकेट होना चाहिए वो जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए। अगर जुलाई 2022 के पहले का है तो उस केस में आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। अभी हो सकता है, अगर मान लो अभी अर्जेंटली आपके पास अवेलेबल नहीं है तो पहले वाला आप अपलोड कर दो। एडमिशन के टाइम पे, जब आप एडमिशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उस समय तो आपके पास 100% होना ही चाहिए था। हालांकि इसी टाइम आपके पास होना चाहिए था, आपके पास काफ़ी टाइम था। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका जो OBC या EWS का सर्टिफिकेट है वो आपके जुलाई 2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है? तो ये रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। यहाँ पर नेशनैलिटी फिल करनी है आपको, नेशनैलिटी में आपको इंडियन फिल कर देना है। फिर फिजिकली चैलेंज्ड हैं या नहीं है, तो जिसमें भी आप यस करेंगे उसका आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे देना पड़ेगा, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है उसको देनी पड़ेगी। BHU एम्प्लॉय के अवार्ड हैं या नहीं है, आपने जो है अपनी क्वालिफाइंग डिग्री जो है BHU से करी है तो यस करोगे आप, नहीं करी तो नो करोगे। इसके अलावा कभी पुलिस ने अरेस्ट किया या नहीं किया, इसके अलावा कोई क्रिमिनल केस तो पेंडिंग नहीं है। अगर हैव यू एवर बीन पनिश्ड बाई योर इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन के द्वारा कभी पनिश्ड किया गया है नहीं किया गया, स्पोर्ट कोटा है या नहीं है, तो अगर यस करोगे तो आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान आपको रखना है। आइडेंटिटी टाइप में आप अगर आप चाहो कोई भी, अब यहाँ पे इलेक्शन कार्ड आप यूज़ कर सकते हो, यानी कि वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, बैंक पासबुक फोटोग्राफ या फिर अदर वैलिड फोटो आइडेंटिटी कार्ड में आप जाके आधार कार्ड वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ मैं तो यहाँ पे रैंडम ही कोई नंबर डाल दूंगा। हॉस्टल अगर आपको रिक्वायर्ड है तो यस करोगे, रिक्वायर्ड नहीं है तो नो करोगे। इसके बाद डिजी लॉकर का यूज़र आईडी आप चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं चाहो तो यहाँ पे नहीं डाल सकते। यहाँ पे जितने भी स्टार लगा हुआ है उसको फिल करना कंपलसरी है, जिस पे स्टार नहीं है उसको फिल करना यहाँ पे ऑप्शनल है, ठीक है? जिस तरह से बाकी सारे फॉर्म्स में होता है सेम वही। डू हैव ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है तो यस करो, और फिर वहाँ पे आपको आगे अपलोड करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर लो, उसके लिए आप अंडरटेकिंग वहाँ पे दे सकते हो। अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट है तो यस करो, उसको अगर आपको अपलोड करना पड़ेगा, नहीं है तो नो करो, उसके लिए भी आप अंडरटेकिंग दे सकते हो। फिर यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे डालना है आपको, मैं तो यहाँ पे कुछ भी एड्रेस यहाँ पे डाल दूंगा। स्टेट आपको सेलेक्ट करना है, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी यहाँ पे फिल कर देता हूँ मैं। लैंडलाइन तो यहाँ पे कंपलसरी नहीं थी, इसको आप ब्लैंक छोड़ दो। जो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है अगर सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस कर दोगे, अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे आपको दूसरा एड्रेस यहाँ पे आप डाल सकते हो। फिर यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे जाओगे। अब देखो सेकंड नंबर पे आपके पास आ रहा है आपको 10th की डिटेल, 12th की डिटेल और जो आपकी बैचलर डिग्री है यानी कि ग्रेजुएशन की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। 10th में आपको सबसे पहले बोर्ड सेलेक्ट करना है, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट करना है, सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको लिख देना है, फिर यहाँ पे मार्क्स टाइप यानी कि परसेंटेज में या CGPA में वो आपको लिखना है, कितने मार्क्स आए थे आपको आपके वो आपको लिखना है। परसेंटेज यहाँ पे ऑलरेडी अपने आप ही वहाँ पे कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपको 12th की डिटेल्स डालनी है, सब्जेक्ट्स यहाँ पे डालना है, यहाँ पे परसेंटेज में था या CGPA में था वो आपको करना है।
परसेंटेज जो है आपके अपने आप कैलकुलेट हो जाएगी। बैचलर डिग्री आपको सेलेक्ट करनी है, सबसे पहले यूनिवर्सिटी आपको सेलेक्ट करनी है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको सेलेक्ट कर लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पे डाल देना आपको। फिर मार्क्स टाइप में, अब यहाँ पे ध्यान रखो कि अगर आपका CGPA में है तो CGPA में आपको यहाँ पे जो परसेंटेज है वो आपको अलग से फिल करना पड़ेगा, ठीक है। CGPA आपको अलग से डालना पड़ेगा, परसेंटेज आपको अलग से डालना पड़ेगा। CGPA से परसेंटेज में चेंज कैसे करोगे, तो आपके यूनिवर्सिटी का जो भी फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आप करोगे। जो आपकी मार्कशीट होगी ग्रेजुएशन की उसके पीछे या उसके नीचे आपको लिखा होता है किस तरह से आपको CGPA को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो जितने भी आपके कंप्लीट हुए हैं उसको आप वहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मैं CGPA डाल के दिखा देता हूँ आपको। तो मान लो CGPA मैं लिखता हूँ 8.4 और टोटल कितनी है 10 में से CGPA आई है, और परसेंटेज में यहाँ पे आपको अलग से डालना पड़ेगा। यहाँ पे परसेंटेज जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट नहीं होगी, तो परसेंटेज आपको अलग से यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए 80 बन रही है, तो यहाँ पे मैंने 80 यहाँ पे डाल दिया है। तो ये हो गया, अब ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है। अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड पे जाना है और इसको सेव कर देना है। अब आपकी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे हो गई हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या अपलोड करना है ध्यान से यहाँ पे सुन लो। 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट या बर्थ सर्टिफिकेट। अब देखो 10th, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके पास 10th का सर्टिफिकेट भी हो और मार्कशीट भी हो, तो आप दोनों को एक ही PDF में यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। फिर 10+12 R2 यानी कि 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन लेवल की मार्कशीट। अब मान लो जो अभी ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट जिसकी नहीं आई है, तो जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट आपके पास है उन सभी को एक ही PDF में बना के उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको आप अपलोड करो, नहीं है तो आप इसका अंडरटेकिंग जो है मैं बता दूंगा आपको, अंडरटेकिंग आप अपलोड कर सकते हो। अब देखो अंडरटेकिंग कहाँ से मिलेगी, ये आपकी अंडरटेकिंग है। देखो ये अंडरटेकिंग आपके करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट की, ये अंडरटेकिंग आपको लगा देनी है, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम डालोगे, अपने फादर का नाम डालोगे, अपना CUET PG वाला रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालोगे, और किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है वो आप डालोगे, और नीचे आपको बताया गया कि 31 अक्टूबर 2023 से पहले आपको जो है ये सबमिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद अपना नेम, सिग्नेचर और डेट यहाँ पे डालोगे, तो ये अंडरटेकिंग आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। तो सेम अंडरटेकिंग लगा के यहाँ पे फिल कर देना, और इसी को आप करेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट दोनों को आगे अपलोड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप पे आपको मिलता हूँ। अब ये डॉक्यूमेंट्स मैंने सारे यहाँ पे अपलोड कर दिया। यहाँ पे दोबारा से डॉक्यूमेंट्स को देखने का भी ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपको, क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हो कि आपने करेक्ट डॉक्यूमेंट अपलोड किए या नहीं किए, ऐसा तो नहीं कोई डॉक्यूमेंट वहाँ पे ब्लर है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर लोगे। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे जाके आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करनी है और सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो आपको ध्यान रखना है कि फोटो आपकी 4.5 cm × 3.5 cm की साइज़ की होनी चाहिए और 100 KB से कम की होनी चाहिए। 4.5 cm का मतलब क्या, हाइट आपकी 4.5 cm होनी चाहिए और विथ आपकी 3.5 cm होनी चाहिए। और जो आप सिग्नेचर अपलोड करोगे उसमें कोई साइज़ का नहीं है, बस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे डायमेंशन नहीं दी गई है, बस साइज़ आपका 100 KB से कम होना चाहिए और फोटो का साइज़ भी आपका 100 KB से कम का होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई एक फोटो, रैंडम फोटो हम उठा लेते हैं, यहाँ पे शाहरुख खान की फोटो उठा लेते हैं हम। सिग्नेचर यहाँ पे लगा देते हैं, ये भी शाहरुख खान के। तो इस तरह से फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देना है, और यहाँ पे फिर सेव एंड प्रोसीड पे जाओगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास खुल के आ जाएगा। अब देखो जो भी प्रोग्राम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है वो सारे प्रोग्राम यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लो आपको LLB करनी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको LLB प्रोग्राम का। फीस के लिए मैंने आपको बता दिया, एक सब्जेक्ट के लिए यानी कि एक कोर्स आप चूज करोगे तो उसके लिए 300 रुपीज़ फीस है। उसके बाद जितने प्रोग्राम आप सिलेक्ट करते जाओगे 100 रुपीज़ आप ऐड करते जाओगे। उसके बाद अगर आप पेड सीट भी लेते हो तो उस केस में आपको 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो पेड सीट कैसे लेना है, यहाँ पे देखो पेड सीट का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है यस या नो। अगर नो करते हो तो 300 रुपये आपको फीस देनी पड़ेगी, अगर यस करते हो 700 रुपीज़ ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं कहूँगा अगर आपको लेना है तो आप यस कर दो इसमें, क्योंकि इन केस मान लो आपका नॉर्मल कट ऑफ में नहीं हो पाता तो उस केस में आप पेड सीट में चाहो तो आप एडमिशन ले सकते हो, बाद में आपकी इच्छा नहीं हो तो उसको आप रिजेक्ट भी कर सकते हो।
क्योंकि जो आपके पेड सीट्स होती हैं उसकी कट ऑफ हमेशा ही नॉर्मल सीट से कम जाती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेपर कोड भी आगे दिया हुआ है कि किस पेपर कोड का आपने एग्जाम दिया है, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा मान लो किसी और सब्जेक्ट में आपको एडमिशन लेना है, इसके अलावा उसका भी एग्ज़ाम आपने दिया, जैसे मान लो कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो MA इन फिलोसफी आपको लेना है, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। और इसमें आपको पेड सीट लेनी है नहीं लेनी, वो भी आप सेलेक्ट करते हो। तो ध्यान रखो, पेड सीट के लिए सिर्फ एक बार आपको 700 रुपये देना है, ऐसा नहीं कि बार बार आपको 700 रुपये देना है, सिर्फ एक बार आपको 700 रुपये देना है। तो जैसे मान लो यहाँ पर, मान लिया मैंने यहाँ पे दो प्रोग्राम सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे देखो टोटल फ़ी मेरी नीचे लिखी हुई आ जाएगी। टोटल फ़ी अमाउंट हो गया मेरा 1100। 1100 कैसे, दो प्रोग्राम सेलेक्ट किए, तो एक प्रोग्राम के 300, दूसरे प्रोग्राम के 100 रुपये ऐड हो गए, तो 400 हो गए, 700 रुपये पेड सीट के। ठीक है, तो इस तरह से 1100 रुपये हो गए। इसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आपको जाना है। यहाँ पे आपकी बैंक डिटेल्स आपको फिल करनी है। बैंक डिटेल्स आपको ध्यान रखो, बैंक डिटेल्स किस लिए मांग रहे हैं, जो आप फी सबमिट करोगे, फी कौन सी, ये रजिस्ट्रेशन वाली फी नहीं, ये तो आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंड नहीं होगी। जब आप एडमिशन लोगे उसके बाद, मान लीजिए एडमिशन के टाइम पर आप फी पेमेंट करोगे, उसके बाद मान लो आप एडमिशन कैंसिल करवाते हो, तो जो आपकी फी रिफंड होगी उसके लिए है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बैंक डिटेल्स में मैं यहाँ पे कुछ भी रैंडम फिल कर देता हूँ। अकाउंट नंबर, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल होके आपके पास इस तरह का फॉर्म, जो सारी डिटेल्स है वो सामने आपके खुल के आ जाएंगी। आपको ध्यान रखना है ये सारी डिटेल्स आपकी करेक्ट होनी चाहिए, कम से कम एक दो बार इसको रीड कर लेना, कोई भी डिटेल यहाँ पे इनकरेक्ट ना हो। इसके बाद आई कन्फर्म द अबव, कन्फर्म एंड सबमिट पे आपको जाना है। प्रोसीड टू पेमेंट, फिर आपको पेमेंट की ओर बढ़ना है। अब देखो ये पेमेंट का पेज आ गया, अब मुझे फॉर्म फिल करना नहीं है, तो पेमेंट मैं आपको करके दिखाऊंगा नहीं, मैं आपको बता देता हूँ पेमेंट के बाद आपको किस तरह से मिलेगा। यहाँ पे पेमेंट आप ऑनलाइन ही कर देना, सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI, नेट बैंकिंग, अदर बैंकिंग, UPI, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो। अब देखो पेमेंट के बाद आपको क्या करना है, किस तरह से आपको ऑप्शन मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। और एक मिनट, जैसे मान लो ये पेमेंट आपने कर दी, पेमेंट आपकी सक्सेसफुल हो जाएगी, उसके बाद आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, आपको प्रेफरेंस ऐड करनी होगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो आपने LLB भरा, तो यहाँ पे LLB आप फिल करोगे। LLB में आपके दो सीट्स रहेंगी, दो ही रहेंगी आपकी, एक तो पेड और दूसरी आपकी नॉन पेड वाली। तो पहले आप नॉन पेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और उसको ऐड कर लेना यहाँ से, फिर पेड वाली सेलेक्ट करनी है तो पेड वाली सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो दूसरा प्रोग्राम होगा उसके लिए आपको ऐड करना होगा, यानी जितने प्रोग्राम आपने सेलेक्ट किए हैं उन सब के लिए आपको प्रेफरेंस, यहाँ पे ऐड प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा, इस ऐड प्रेफरेंस के ऑप्शन पर जाओगे तो इस तरह से आपका खुलेगा, वहाँ से आप प्रेफरेंस ऐड कर सकते हो। LLB में तो आपके दो ही ऑप्शन मिलेंगे, बाकी के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे तीन तरह के आपके कॉलेजेस BHU के अंदर होते हैं, एक तो आपका BHU मेन कैंपस, जिसमें आपका डिपार्टमेंट मेन कैंपस होता है मेल फीमेल दोनों के लिए, और एक आपका महिला महाविद्यालय होता है, ये फीमेल्स ओनली। फिर आपका BHU का एक साउथ कैंपस है, ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। फिर आपका कुछ BHU से एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, जैसे एक है आपका RR महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, ये फीमेल्स के लिए है सिर्फ, और दूसरा आपका DAV है, DAV पोस्ट कॉलेज, ये आपका मेल फीमेल दोनों के लिए है। इसके बाद एक VKM यानी कि वसंत कन्या महाविद्यालय, ये फीमेल के लिए है सिर्फ, और दूसरा VCW यानी कि वसंत कॉलेज फॉर वुमेन, ये भी सिर्फ फीमेल ओनली है। तो ये सारे आपके कॉलेजेस हैं, जो कोर्स आपके मल्टीपल कॉलेज में अवेलेबल होगा उसके लिए आपको प्रेफरेंस यहाँ पर देनी पड़ेगी, तो वो प्रेफरेंस आप यहाँ से फिल कर सकते हो। उसके बाद प्रेफरेंस को ऐड करोगे तो ये आपका फॉर्म जो है, पाँचों के पाँचों प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, बस इतना ही आपको फॉर्म में करना है। तो बस इतना, आप इस तरह से आपको BHU का जो एडमिशन, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो फिल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप रिजल्ट का वेट करना चाह रहे हो तो आप रिजल्ट का वेट आराम से कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको चैनल पे रेगुलरली प्रोवाइड की जाएगी, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। इसके अलावा DU के रजिस्ट्रेशन जब ओपन होंगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दी जाएगी। और कोई आपकी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। फॉर द टाइम बींग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू।